नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि के YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज बारी है मूल कर्तव्य की। हमने पिछला वीडियो देखा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसको पूरा डिटेल से देखा। तो आज बारी है मूल कर्तव्य की, आज बारी है संविधान के भाग 4 का की, 51 का की, 42वां संविधान संशोधन 1976 की। तो सारी चीजें इसमें जानेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलूं कि एक ही स्लाइड में पूरा मूल कर्तव्य अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं, मैं आपको दिखाते चलूं कि ए जो मूल कर्तव्य है, इसको हमने अपने माध्यम से ड्राफ्टिंग किया है, यहीं से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर मैं कहूं कि मूल कर्तव्य जो है यह संविधान के किस भाग में है, तो संविधान का भाग जो 4 का है उसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। अगर यह कहूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। देन अगर मैं यह कहूं कि मूल कर्तव्य कहां से ग्रहण किया गया, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से ग्रहण किया गया था, मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था, उसी प्रकार यह क्वेश्चन पूछता है कि मूल कर्तव्य को कहां से ग्रहण किया गया। सोवियत संघ या रूस, जो भी ऑप्शन दे, ये आपका जो है ऑप्शन होगा। तो सोवियत संघ से यह ग्रहण किया गया था। आपको मैं यह भी बता तो चलूं कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, तो इसके लिए क्या किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक गठित की गई थी। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ही सिफारिश की कि भाई मूल कर्तव्य अगर मूल अधिकार है तो नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाने चाहिए। तो इसी समिति ने सिफारिश की कि कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए ताकि नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन करके राष्ट्र के जो है विकास, सर्वांगीण विकास में बेहतर भूमिका निभा सके, ठीक है ना। तो इसी समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को लाया गया। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है, और इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। लेकिन क्या वर्तमान में 10 ही मूल कर्तव्य हैं, या फिर कुछ मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़ाई गई है? नहीं भैया, इनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध करवाएं। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में स्थापित हुआ। तो इतने समय प्रावधान, मूल कर्तव्य का जो प्रावधान था मूल संविधान में नहीं था, ठीक ना। वर्तमान में इनकी संख्या अगर देखें तो 11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से माता पिता का यह कर्तव्य बताया गया कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध करवाएं। देन उसके बाद अगर हम यह कहें कि क्या यह विदेशियों पर भी लागू होता है या केवल भारतीयों पर लागू होता है, तो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर यह लागू नहीं होता है। एक बार IAS में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। देन अगर मैं यह कहूं कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, जैसे मैं प्रस्तावना का नेचर देखा, जैसे मैंने DPSP का नेचर देखा, जैसे मैंने मूल अधिकारों का नेचर देखा, तो मूल अधिकारों के नेचर में आप जब जाएंगे तो उसमें मैंने बताया कि भैया यह वाद्य योग्य है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा संरक्षित है। लेकिन क्या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है, क्या DPSP न्यायालय में प्रवर्तनीय था? तो DPSP हो गया, प्रस्तावना हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, तो यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है ना, तो यह जो है वाद्य योग है, कुल मिला जुलाकर यह अवाद्य योग है, या फिर कहें कि गैर न्यायोचित है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हो सकते। अर्थात इनके प्रावधानों के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि फला चीज जो है मूल कर्तव्यों में कही गई है और उसके जो है कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया। एक नैतिक जिम्मेदारी, इथिकल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नागरिकों को कि नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो 11 मूल कर्तव्य आते हैं। थोड़ा सा 11 मूल कर्तव्यों को अगर हम देखें तो कौन से मूल कर्तव्य हैं, इन भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा। पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें। अब की जो PCS हुआ वर्ष 2022 का प्री का एग्जाम PCS का, UPPCS का, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, और बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा बझाऊ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। कह रहा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों, और राष्ट्रगीत ऑप्शन में देता है। क्या राष्ट्रगीत आपका जो है मूल कर्तव्य है?
नहीं, राष्ट्रगीत नहीं है, बल्कि इतनी सारी चीजें हैं। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका जो है मूल कर्तव्य है। फिर कह रहा कि दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उसका पालन करें। स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उसका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जो प्रतिबिंब है, जो चीजें प्रतीक के रूप में हैं, तो उसका हम पालन करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। दूसरा जो है मूल कर्तव्य। तीसरा मूल कर्तव्य क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यह संविधान का जो भाग चार का है, मूल कर्तव्य है, उसका तीसरा जो मूल कर्तव्य है, यह संविधान की संप्रभुता, एकता और अखंडता, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने का प्रयास करना हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा। देन चौथा मूल कर्तव्य कह रहा है कि देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर, अगर कोई युद्ध हो जाता है तो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये आपका मूल कर्तव्य है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। चौथा मूल कर्तव्य। पांचवा मूल कर्तव्य जरा देखना, कह रहा है कि पांचवा मूल कर्तव्य काफी सुंदर मूल कर्तव्य है। कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता मतलब कि जो है भाईचारे की भावना, बंधुत्व, जो बंधुता है, जो भाईचारे की भावना है, आपसी मेल मिलाप है, समरसता, समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, सभी भेदभाव से रहित हो। कुल मिला जुलाकर यह कह रहा है कि ऐसे भाईचारा, ऐसे समरसता का विकास करें, ऐसे समरसता का निर्माण करें जो जो है धर्म, भाषा, जाति, प्रदेश, वर्ग, इन सब से परे हो, बिल्कुल ऐसे जो है समरसता और भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें। फिर कह रहा है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं या स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पास किया गया, या फिर मैं ये कहूं कि कुछ ऐसे हमारी सामाजिक परंपराएं हैं जो महिलाओं के सम्मान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। आपको पता होगा ब्रेस्ट टैक्स, दक्षिण भारत में एक ब्रेस्ट टैक्स, अस्तन टैक्स जिसे कहा जाता है, वो लगता था, हालांकि इतने समय समाप्त कर दिया गया है, तो महिलाओं के सम्मान के बिल्कुल विरुद्ध है वो। अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई और चीजें हैं जैसे दासी प्रथा, वो भी कहीं कहीं महिलाओं के सम्मान के बिल्कुल विरुद्ध था, तो उसका त्याग करें। ऐसी जो भी कोई भी परंपरा हो उसका आप त्याग करें जो महिलाओं, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ये आपका पांचवा मूल कर्तव्य है। छठा मूल कर्तव्य क्या कह रहा है कि हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। कितना अच्छा है छठा मूल कर्तव्य, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो पहचान होती है, हमारे जो है संस्कृति हमारी सभ्यताओं से होती है, तो इसका आप जो है एक प्रकार से अपनी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, कुल मिला जुला कर जो उसका संरक्षण करें आप। फिर कह रहा है कि प्राकृतिक, सातवां मूल कर्तव्य, काफी इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य है, कोरिलेट कर देता है ये डीपीएसपी से, कोरिलेट कर देता है ये फंडामेंटल ड्यूटी से, ये ड्यूटी तो है ही, कोरिलेट कर देता है ये फंडामेंटल राइट से, ठीक है ना। कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, ये कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, जो वन मतलब कि जो है वनों में जो जीव हैं उसी की बात कर रहा है, वन्य जीव हैं, कि रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ठीक है ना दोस्तों। प्राणी मात्र मतलब शिकार वगैरह ना खेलें आप, किसी जो है जो बेचारे बोल नहीं सकते जीव, उनको ना मारें, ठीक है ना, तो उसी की ये बात कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात कर रहा है, ए आपका सातवां मूल कर्तव्य। आठवां मूल कर्तव्य क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कितना अच्छा मूल कर्तव्य है, कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो साइंटिफिक दृष्टिकोण है, उसको लेकर आए, इसके अलावा मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, ऐसा आठवां मूल कर्तव्य। नौवां मूल कर्तव्य कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक जो संपत्ति है, सार्वजनिक जो संपत्ति है, जहां पर सारे लोग आ जा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करें,
तो ऐसे ही सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आप करें और हिंसा से आप दूर रहें। दशा मूल कर्तव्य कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये आपका दशा मूल कर्तव्य था। और ग्यारहवां मूल कर्तव्य, आपको पता ही होगा कि ये जो दसों मूल कर्तव्य हैं, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया, लेकिन जो ग्यारहवां मूल कर्तव्य है दोस्तों, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा गया। और माता पिता का यह कर्तव्य बताया गया कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के वाले अपने यथा स्थिति बच्चे या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक ना दोस्तों, यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। तो ये 11 मूल कर्तव्य आपके टोटल हुए। आते हैं अब इसी मूल कर्तव्यों पर आधारित जो कुछ क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उसको देखते हैं और बारी बारी से पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। आते हैं, पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग को आप याद करिए, पहले पेज को आप याद करिए, तो आपको पता चल गया होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति स्थापित की गई थी, गठित की गई थी, और इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि भाई मूल कर्तव्य होना चाहिए, इन्हीं मूल कर्तव्यों का प्रयोग करके अपने जो है राष्ट्र के निर्माण या राष्ट्र के सर्वांगीण भागीदारी हर एक नागरिक जो है सुनिश्चित कर सकता है, ये जो है मूल कर्तव्यों की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की। बाद में 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है और उसी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया जाता है। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कुछ ऐसी सिफारिशें भी की गई थी मूल कर्तव्यों की लिस्टियों में, लेकिन उनको जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है, कुछ जो चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि 10 चीजों को शामिल किया जाता है वो हमने आपको दिखा दिया। बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपको पता होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, इन चीजों से संबंधित है। 1957 का उद्दौर आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आपको रिलेट कर सकते हैं। देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2012 में और उत्तराखंड पीसीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, कोई ये बताएगा कि अगर 42वां संविधान संशोधन 1976 है और यहां पर 86वां संविधान संशोधन 2002 होता तो हो सकता है कि तब दोनों ऑप्शन सही होते, ठीक ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है यह जो है कुल मिला जुलाकर संविधान संशोधन लाया गया था। तो कोरिलेट कर सकते हैं आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। उसी एक पेज को आप याद करके, उसी एक पेज को बकायदा आप पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमने बताया कि भाई अनुच्छेद 51 का है और भाग जो है वह 4A है, इसी को जो है इंक्लूड किया गया 4A में। 4 क्या है, तो 4 DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 ला करके इसमें एक भाग क्रिएट किया गया 4A या फिर 4 का, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से स्वर्ण समिति, सरदार स्वर्ण समिति जो थी 1976 में गठित की गई थी, ठीक है ना, के सदस्य रहे, के सदस्य रहे, तो A.R. अंतुल्य रहे, S.S. रे रहे और C.M. स्टीफन रहे। ए हरिदेव जोशी ए नहीं थे, हरिदेव जोशी नहीं थे, तो A.B.D. जो सी ऑप्शन आपका ऑप्शन है, सी इज अ राइट आंसर, सी आपका आंसर होगा इसका। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ARS में पूछा गया, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये देखिए ना, 11 मूल कर्तव्य आपको दोस्तों याद होना चाहिए। जब तक 11 मूल कर्तव्य आपको नहीं याद होंगे तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी 11 मूल कर्तव्यों में एक एक मूल कर्तव्य दे दिया गया है और पूछा है कि कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो क्या आम चुनाव में मतदान मूल कर्तव्य है, क्या आपने 11 मूल कर्तव्यों में पढ़ा, नहीं पढ़ा, यही तो है आपका आंसर।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने पढ़ा, मानववाद पढ़ा, सुधार की भावना पढ़ा, ये सभी सारी चीजें आपने पढ़ा है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी आपने पढ़ा, मूल कर्तव्य में संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का जो है सम्मान करें, ये भी आपने पढ़ा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन सबॉर्ड ए लोअर पीसीएस में पूछा गया है वर्ष 2008 में, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उसे तो ज्यादा टफ है। कह रहा है कि प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण तथा उसका संवर्धन, तो हमने बताया कि जो सातवां मूल कर्तव्य था वही तो था, ठीक है ना। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें। अरे भैया ये तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो मूल कर्तव्य है उसका जो पहला मूल कर्तव्य है, उसका जो पहला या दूसरा मूल कर्तव्य था यही वाला था, ठीक ना। तो ये भी है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये कहां है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये मूल कर्तव्य नहीं है। हाँ ये जो है आपका मूल अधिकार है दोस्तों, यह मूल अधिकार है, और संविधान का जो आप अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन इसी का प्रावधान किया गया है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 लाया गया, हालांकि बाद में इसको नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1976 में संशोधन करके 1955 लाया गया था, कहा गया, ठीक है ना। तो ये सब आप जान सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी ही ऑप्शन होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास, ये तो आपने पढ़ा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। किस एक का संरक्षण, सुनना जरा, ग्राम पंचायत का संरक्षण, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का संरक्षण, वन्य प्राणी इसका संरक्षण। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है लोअर पीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, वन्य प्राणी क्या है। अब देखिए यहां पर जो डी ऑप्शन को लेकर और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कंफ्यूजन में पैदा कर दिया है, लेकिन जो इसका ऑप्शन माना गया है वो बी ऑप्शन माना गया है। मैं आपको बताते चलूं कि ये विवादित क्वेश्चन में आना चाहिए, इसका जो आंसर हो वह बी और डी दोनों हो सकता है, वन्य प्राणी, ठीक ना। वन्य प्राणी तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन जब सातवां मूल कर्तव्य कहेंगे तो प्राकृतिक पर्यावरण में तो ये सब सारी चीजें जो है शामिल कर ली जाती हैं, वन्य प्राणी भी उसमें आ जाता है। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो बी और डी, ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि आयोग ने जो माना है वो आयोग राष्ट्रीय ध्वज माना है, बी ऑप्शन माना है, ठीक है भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नागरिक का कर्तव्य होगा, नागरिक का कर्तव्य मतलब कि मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, डीपीएसपी की बात नहीं कर रहा है। अगर डीपीएसपी की बात करता तो आर्टिकल 48A हो जाता, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता तो अनुच्छेद 48A हो जाता, नहीं तो ए मानव के ए नागरिकों के कर्तव्य की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 51A होगा। इसी में जो है पूरा 11 मूल कर्तव्यों को इंक्लूड किया गया है, ये आप जो है जान सकते हैं, ठीक ना भैया। अनुच्छेद 56 ये तो राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है उससे संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित है, ये सब सारी चीजें आप। आर्टिकल 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता के अधिकार, इन सब चीजों से रिलेट आप कर सकते हैं। तो इतना कुछ आपने क्वेश्चन नंबर 8 में जाना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्मित सुमिलित नहीं है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि सुमिलित नहीं है। भाग दो में क्या नागरिकता है, जब हमने दूसरा या तीसरा क्लास लिया था उसमें हमने बताया था कि अनुसूचियों को ले लिया था, या संविधान के 22 भागों में क्या कुछ प्रावधान किए गए थे उसको हमने ले लिया था, ये सब सारी चीजें हम डिस्कस किए थे। तो भाग एक में हमने बताया था कि भैया भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, और जब भाग दो बताया तो भाग दो में हमने नागरिकता को बताया, ठीक ना। तो नागरिकता भाग दो में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। फिर हमने भाग 3 बताया, और भाग 3 में हमने बताया कि भाई मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है,
अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 35 तक, ठीक ना दोस्तों। तो ये भी आपका मिल रहा है। भाग 4 में हमने बताया कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसका जो उल्लेख है वह भाग 4 में है, तो ये भी सही है। भाग 5 देखिए, भाग 5 में संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, लेकिन भाग 5 में यहां दे रहे हैं कि मूल कर्तव्य, नहीं भैया, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 का में है या भाग 4 ए में है, ए आप कह सकते हैं, ठीक ना। तो यही आपका गलत होगा, यही तो सुमेलित नहीं है, बाकी और सब सारी चीजें सुमेलित हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की प्रभुता या संप्रभुता, सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण रखें, यह उपबंध किससे या किसमें किया गया है। आईएएस 2015 में ससुरा इतना आसान क्वेश्चन पूछा, सोचिए इतना आसान क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका में नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं, मूल अधिकार मूल कर्तव्यों में अस्पष्ट रूप से कहा गया है, अस्पष्ट पूरी लाइन ही उठाकर दे दिया गया है कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार आप जानते हैं कि सारी चीजें संविधान के भाग 3 में इसका प्रयोग, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, यह जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, यह वाद योग्य है, अगर जो है इसका वायलेशन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना, जैसी सारी चीजें आपको पता ही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हमने डिटेल से बताया, उद्देशिका हमने तो पूरा इसको भी डिटेल से बताया इस वाले क्लास में। तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया ये आईएएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य भैया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अगर पूछे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अगर पूछे कि कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, वहीं पर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य शामिल किया गया, 11वां मूल कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना माता पिता का कर्तव्य बताया गया, ये आप इतने समय 11 मूल कर्तव्य बता सकते हैं, ठीक ना, 11 मूल कर्तव्य बता सकते हैं। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक ना, इसको लेकर आने वाले हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।